एक बार ही रेव हो जाए थोड़ा सा। साइलेंसर लगवाते, सबसे बड़ी जो इशू रहता है बंदा जो नॉलेज वाला नहीं होता तो ये रहता है कि भाई साइलेंसर लगवाते इंजन खराब हो जाता है या कुछ एक्सरसाइज कुछ प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो देख रहा हमको क्यों पे बिडल साउंड देखो सुनो मेन चीज क्या है, हमारा कंटेंट है साउंड और आपको जो है साउंड मिलेगा बेस्ट इंशाल्लाह। और अभी जो है लगने वाला है 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम और ये गाड़ी तैयार। और इसमें लगा हुआ वेल्वेट्रॉनिक, ये भी हमारे एक भाई की गाड़ी है, ठीक है मैं दिखाऊंगा आपको वेल्वेट्रॉनिक कैसा होता है। तो ये मेरे हाथ में पहली बार है तो इसको ऑन ऑफ करना है, थोड़ा रेव देना, ये ऑफ, ये अब इसको कर देंगे बंद साउंड, बिल्कुल कम्प्लीटली बंद भाई, ये है भाई पूरा ऑफ। काफी सारे देख सकते हो कितने बड़े बड़े एग्जॉस्ट हैं यहाँ पे, सीरियसली बहुत मजेदार चीज लग रही है भाई। केएनएन वेएनएन सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, इससे आप अपना साइलेंसर की साउंड ऑन ऑफ अपने हाथ से कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकल है पूरा साइलेंसर ये, और काफी सारे ब्रांड्स है। ये बोरला, ये अपना स्पिटफायर जो होती है, बोरला स्पिटफायर। अच्छा वो बोरला स्पिटफायर है ये क्या भैया मेरे को बता दी। वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट। अच्छा वेल्वेट्रॉनिक है भाई ये, जिनको नहीं बहुत बंदे बोल रहे थे वेल्वेट्रॉनिक। ओ भाई साहब ये क्या बवाल है। इसमें भी वैरायटीज होती है कि भाई स्विच ऑन ऑफ करने वाला भी साइलेंसर होता है, ठीक है, और नॉर्मल साइलेंसर होता है, आफ्टर मार्केट साइलेंसर होता है, कॉपी साइलेंसर होता है, ओरिजिनल साइलेंसर्स होते हैं, स्लिप ऑन साइलेंसर्स होते हैं, फुल सिस्टम साइलेंसर्स होते हैं, और कितने नाम गिनवा दूं भाई। बहुत सही दिन है आज, मौके पे चौका मारने वाली बात है। अतीक ने जो भाई हमारे भाई हैं 47 नेशन वाले, तो इसने मेरे को भी गाड़ी बैठ के उठा कि यार मैं साइलेंसर लगवाने जा रहा हूँ। तो आज का पूरा व्लॉग आप तो कंटेंट से पता चल ही गया होगा, बाकी आज हम लगवाएंगे साइलेंसर, और चीपेस्ट साइलेंसर की वो शॉप है मेरे हिसाब से, है ना। वो बंदा बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। पूरा जो ब्लॉग होने वाला है वो पूरा साइलेंसर के ऊपर होने वाला है, मॉडिफिकेशंस के ऊपर होने वाला है, और काफी सारे साइलेंसर्स की वैरायटी बताऊंगा, और साइलेंसर्स में कौन कौन से साइलेंसर्स होते हैं, मतलब इसमें भी वैरायटीज होती है कि भाई स्विच ऑन ऑफ करने वाला भी साइलेंसर होता है, ठीक है, और नॉर्मल साइलेंसर होता है, आफ्टर मार्केट साइलेंसर होता है, कॉपी साइलेंसर होता है, ओरिजिनल साइलेंसर्स होते हैं, स्लिप ऑन साइलेंसर्स होते हैं, फुल सिस्टम साइलेंसर्स होते हैं, और कितने नाम गिनवा दूं भाई, बहुत नाम है, मैं तो बता दूं शाम हो जाएगी पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा इसमें। सो गाइस दोस्त हो वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अतीक भाई को भी जाके फॉलो कर देना, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइस सब्सक्राइब करो, जब तक आप थोड़ा सा रोड एंजॉय करो, सॉन्ग्स एंजॉय करो, और सीधा मिलते हैं हम सीपी, नाम क्या उनका, साइलेंसर गैरेज, साइलेंसर गैरेज, बाय बाय। सो गाइस एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं साइलेंसर गैरेज। तो भाई सीरियसली मेरे को जितना इनका लग रहा है कि भाई कार्डियो का होगा सिस्टम तो काफ़ी अच्छा इनका हिसाब किताब है, भले ही साइलेंसर का चलान है बट स्टिल लोग लगवाते हैं अपनी खुशियों के लिए, ठीक है, कि जो भी पैशनेट होते हैं कार्स के, ठीक है, कार्स के लिए। बाकी मैं साइलेंसर से भैया पूछूंगा, जो भैया हैं यहाँ के जो ओनर हैं जो लगाते हैं, ठीक है, मेरे को नाम पता नहीं है, ठीक है, पीछे हैं, इनसे मेरी मुलाकात होगी, अभी बात करूंगा इनसे क्या क्या रेंज रहती है मिनिमम टू मिनिमम और चीपेस्ट से चीपेस्ट और हायर टू हायर कितना पड़ जाता है ये साइलेंसर वगैरह। तो लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश भी है बट स्टिल वी हैव टू वेयर मास्क। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, जितना हो सकता है। भैया कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिखा रहे हैं मेरे को स्पेशली बुलाया इन्होंने, और कुछ हो सकता है बवाल हो इसके अंदर, तो जस्ट वेट फॉर अ 2 मिनट्स। ये क्या भैया मेरे को बता दी, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट। अच्छा वेल्वेट्रॉनिक है भाई ये, जिनको नहीं बहुत बंदे बोल रहे थे वेल्वेट्रॉनिक।
ओ भाई साहब ये क्या बवाल है। और सीरियसली सब क्रोम वर्क देखा जाए ना, और ये रीमस की है राइट, है ना, रीमस ब्रांड है, बहुत बड़ा है। और ये देखिए, और ये देख सकते हो ये सब इससे कंट्रोल होता है। हाँ जी बटरफ्लाई है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई ये क्रोम वर्क तो, मतलब पूछो ही मत, अगर किसी बाइक में लग जाए सोचो क्या, इमेजिन करो। ये लो जी डिस्प्ले में लग गया ये वेल्वेट्रॉनिक, ये बोरला, बोरला स्पिट फायर है ये, ठीक है। और इसका पूरा फुल सिस्टम है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो अपना पूरा सिस्टम, ठीक है। और सीरियसली भाई ये चीज़ काफ़ी, मैं इनसे रेट लास्ट में पूछूंगा, भैया ने मेरे को स्पेशली खोल के दिखा दे डब्बे से, अभी इन्होंने अनबॉक्स करा इसको। और ये बहुत मतलब एक्टिव चल रहा है मार्केट में ना, किसका, वेल्वेट्रॉनिक, सॉरी वेल्वेट्रॉनिक। इससे आप अपना साइलेंसर की साउंड ऑन ऑफ अपने हाथ से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकल है पूरा साइलेंसर ये, और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो लेट्स सी क्या होता है बाकी रेट में, भैया से इत्मीनान से यहाँ पे चेहरे बिछी हुई यहाँ पे बैठा के भैया से इत्मीनान से पूछूंगा कि भाई कितना प्राइस पड़ जाता है अगर नॉर्मल से लेके अपने हाइयर रेंज पे जाते हैं, चीपेस्ट टू चीपेस्ट, हाइएस्ट टू हाइएस्ट कितना रेंज पड़ जाता है, तो मिलते हैं भैया से थोड़ी सी। पता क्या है, हाँ जी, स्टॉक बहुत सारा सामान था, अच्छा, टिप्स थी अलग अलग डिजाइन की, और हाँ एक्चुअली सामान हमारा एक्चुअली बाहर भी जाता है, तो हाँ हमारा फैक्ट्री में वर्कशॉप में हमारा काफी सामान पड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा, यहाँ तो बस वर्कशॉप है, ये पता लगा लो कि सही सामान हमारा लगता जा रहा है, और काफी ये मत सोचना कि इससे साइलेंसर मतलब आवाज चेंज हो जाती है, बट ये कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है साइलेंसर की साउंड पे। सो गाइस अभी काम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस सीरियसली मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लग रहा है, मैं तो बाइकर हूँ खैर, लेकिन एक कार का वी फील मेरे अंदर ऐसा लग रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। और काफ़ी सारे देख सकते हो कितने बड़े बड़े एग्जॉस्ट हैं यहाँ पे, सीरियसली बहुत मज़ेदार चीज़ लग रही है भाई। K&N V&N सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सब कुछ सारे ब्रांड्स जैसे भैया ने बताया और मैंने आपको दिखाया, वेल्वेट्रॉनिक वगैरह भी है यहाँ पे। और जो मेरे को देख रहे हैं फटाफट आके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे आप ऐसी कार्स और बाइक्स की वीडियोस देख सकते। सो गाइस अभी इस कार में ना पूरा इंस्टॉल हो रहा है, पूरा फुल सिस्टम, ये भी भैया के पास आ रही है काम के लिए, ठीक है, पूरा फुल सिस्टम लगा हुआ है। और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रही है, डस्टर है, आफ्टर मार्केट लाइट लगी हुई है, इसकी हेडलाइट अपनी टेल लाइट सॉरी, और टायर से पूरा मतलब टेपिंग वगैरह, काफ़ी नीट एंड क्लीन कार लग रही है और इसमें फुल सिस्टम लगा। बाकी इसके लगने के बाद एक बार इसका साउंड चेक करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। अतीक भाई ने आज काम सफल करा दिया, मेरा ब्लॉग करने मन नहीं था, तो अतीक भाई को जाके फ्लॉग फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई का भी चैनल है जिनकी कार है, ठीक है, और एडी स्टाइल है ना, एडी ओ सॉरी एजी EDGY भाई स्टाइल, तो भाई आ रहा है उस पर जाके देख लेना, और भाई को भी जाके सब्सक्राइब कर देना, उन्हीं की कार है। जो गाड़ी खड़ी है ना इस पे डस्टर पे, व्लॉग आएगा बहुत जल्दी, अभी आज व्लॉग होगा इसका भी, एग्जॉस्ट लगने के बाद व्लॉग आएगा बहुत जल्दी। और हमारे भाई है विनी, विनी भाई है, ये है और भैया भी है, ठीक है, इन्होंने कर रहे हैं उनका, भैया कुछ नहीं बता रहे नहीं नहीं मैंने इनको बोला, मैंने कहा अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा, मैंने बताया, मैंने यही भैया है, मैंने कहा अभी भैया को इत्मीनान से अंदर बैठा के इनके ऑफिस में बैठ के बात करेंगे कि भाई क्या रहता है पूरा सिस्टम, मतलब तो ये जेन्युइन है, तो भैया मेरे को कोई डिफरेंस बता रहे थे कि ऐसा क्या डिफरेंस रहता है इसके अंदर। एक्चुअली भैया ने फ्री फ्लो कराना है, अच्छा, डी कट भैया ने किया हुआ है, तो पाइपिंग का डायमीटर आता है, डस्टर का आता है, दैट इज नैरो, नैरो में लगाते हैं, फ्लो है पीछे प्रेशर से जाएगा नहीं, अच्छा, और अगर जाएगा नहीं तो साउंड कम करेगा, साउंड कम करेगा, अच्छा, तो हम ये पाइपिंग का डायमीटर है इसका 2.0 डाल रहे हैं ऑन द होल, अच्छा अच्छा, ओके ओके, जो डायमीटर 2.0 है परफेक्ट डायमीटर है, अच्छा, ए फ्लो, ओके, ऊपर जाएंगे तो भी लैग मारेगी, नीचे आते हैं तो भी लैग मारेगी, ये परफेक्ट सेट 2.0, तो आगे से पीछे 2.0, तो फ्री फ्लो के लिए ये बेस्ट रहता है, क्योंकि अच्छा 2.0 सॉरी, अच्छा, तो इसका मतलब ये रहता है, जो इसका होल जो है इसके हिसाब से ये थोड़ा सा रहता है कि भाई ये सिस्टम जो है इसका, ये थोड़ा सा इसका बड़ा है होल एज कंपैरिजन इसके, तो ये देख सकते हैं डिफरेंस भी है ना, हेल्प करी इतनी, ठीक है, ये इसका जो ये अपना जो दो है दोनों का होल है, डायमीटर जो बोल रहे हो आप, ठीक है, डायमीटर इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपना जो स्टॉक साइलेंसर में आता है ये, है ना, तो ये डिफरेंस रहता है पूरा अपना करने के लिए कि भाई जैसे हम पूरा फ्री फ्लो लगाते हैं, भैया की गाड़ी जो है जो डस्टर थी वो डी कैट हो रखी है, ठीक है, तो साइलेंसर का साउंड थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके लिए हमने आफ्टर मार्केट लगवाया है ये साइलेंसर जो मैं दिखाता है, जिसका डायमीटर बड़ा है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जो स्टॉक वाला है।
सो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे शेप वगैरह देते हैं ना, जैसे अपना स्टॉक साइलेंसर था उसकी थोड़ी सी शेप ऐसी बोलती कि अपना चेसिस से अगर टच ना हो, तो वो जो स्ट्रेट पाइप जो मैंने दिखाया था जिसका डायमीटर ज़्यादा था, तो उसे एडजस्ट करने के लिए मशीन थी जो आपने अभी देखी थोड़ी सी स्लो मोशन के टाइप। सो गाइस ये पूरा प्रोसीजर रहता अपना साइलेंसर वगैरह पूरा एडजस्ट करने का। गाइस यहाँ से अभी कहीं से कुछ वेल्ड हो रहा है, ठीक है ना, ये देख सकते हो, ये जो है पूरी सेटिंग जो आगे से क्योंकि हेडर से ये चेंज हो रखा है, इसलिए यहाँ पे वेल्ड करके हमारा कुछ स्पेशल सिलेंसर लगेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा झुक के दिखा नहीं सकता, और थोड़ा सूरज भी चला गया हमारे, देख सकते हो। गाइस अपना काम पूरा कंप्लीट और भाई हमारे बैठ चुके हैं गाड़ी में। अब स्टार्ट होने के बाद जो साउंड आएगा वो देखते हैं कैसा साउंड होता है। अगर ये पेट्रोल होती है ना सीरियसली साउंड बहुत ज़्यादा देती, तो इसलिए पूरी डीकेट वगैरह हो रही है और डीजल है मेन बात, तो इसलिए साउंड इतनी नहीं दे पा रही, बट स्टिल साउंड बहुत नीट एंड क्लीन है। सो गाइस अब बात करेंगे हम अतीक भाई की गाड़ी की, जब अतीक भाई की गाड़ी लेगी वो पेट्रोल है और उसमें अगर आप साइलेंसर देखोगे ना अब सीरियसली बहुत लाउड मिलेगा, और उसमें तो ना डीकेट ना हो रखी है वो, ठीक है, और उसमें ना आपका हेड से चेंज होगा साइलेंसर, सिर्फ इन्होंने स्लिप ऑन ही डलेगा वो, ठीक है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना और जाके सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, और साउंड बहुत कैड़ा आने वाला है उनकी गाड़ी का, उन्हीं तो देखना हमको क्यों भी डॉल साउंड देखो सुनो मेन चीज क्या है हमारा कंटेंट है साउंड साउंड आपको जो है साउंड मिलेगा बेस्ट इंशाल्लाह। और अभी जो है लगने वाला है 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम और ये गाड़ी तैयार। और इसमें लगा हुआ वेल्वेट्रॉनिक, ये भी हमारे एक भाई की गाड़ी है, ठीक है, मैं दिखाऊँ आपको वेल्वेट्रॉनिक कैसा होता। तो भाई सरकार जी की गाड़ी में 47 नेशन की गाड़ी में चालू हो चुका है काम, देख सकते हो कटिंग हो रही है, बस ये स्लिप ऑन ही जहाँ से दिख रहा है आपको वहीं से कटोगे यहाँ पे दूसरा साइलेंसर लग जाएगा। और तो भैया ये लगना है भाई साहब की गाड़ी में 47 नेशन, भाई साहब हमारे अतीक भाई साहब की गाड़ी में ये खड़े थे, कितने खुश हो रहे हैं कितने खुश हो रहे हैं कि भाई आज साउंड सुनूंगा मैं, ठीक है। सो गाइस ये लगना है पूरा जो साफ हो रहा है, और ये निकल चुका है वो रहा, ये इतना बड़ा क्या है ये सिलेंडर सा, ये स्टॉक है, अच्छा अच्छा, तो ये निकला है और ये लगेगा। अब चलो आप साउंड सुनते हैं फटाफट से वेल्ड हो जाइए, जब तक हम इसको देखते हैं कहाँ तक पहुँची इसकी कहानी। विनी भैया ने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया, हो गया विनी भैया डन है, तो एक बार मेरे को चेक कराओ, मैंने कभी देखा नहीं वेल्वेट्रॉनिक, सो आई एम सो मच क्यूरियस अबाउट दैट। सो ऑलमोस्ट रेडी होगी, और विनी भैया के हाथ में है इसका कंट्रोल पूरा, ठीक है, अब ये रेव करेंगे चेंज होगी, और ये चेंज हो गई, अगर इसे कर देंगे स्टॉप तो साउंड ऐसी हो जाएगी। ओ आई सब सीरियस, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स एन इनसेन थिंग। अच्छा तो ये मेरे हाथ में पहली बार है, तो इसको ऑन ऑफ करना है, थोड़ा रेव देना, ये ऑफ, ये अब इसको कर देंगे बंद साउंड, बिल्कुल कंप्लीटली बंद भाई, ये है भाई पूरा ऑफ, हेलो भाई बढ़ गई, सीरियसली बहुत सही चीज़ थी भाई, मैंने पहली बार देखा इसको, और मस्त है भाई, बहुत सेक्सी है ये तो चीज़, ऐसा ना बाइक पे भी हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा कि हमने रिमोट से बंद करा साउंड ऑफ। तो भाई सीरियसली बहुत टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, और बहुत मजा आ रहा है इन सब इस फील्ड में, इस वर्ल्ड में, कार वर्ल्ड में आने में, कार है ना जिनकी भी है ना हमारे बड़े भाई है बहुत इनसेन है, बहुत इनसेन है भाई, बहुत इनसेन है, सीरियसली आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। तो गाइस ये आखिर काम रह गया अतीक की गाड़ी का, ठीक है, अब ये लास्ट ये एंगल लगेगा, मतलब ये एक तरीके से मतलब हुक है, तो हुक के साथ ये पूरी गाड़ी कंप्लीट, और एग्जॉस्ट आपने देखा। गाइस अपने साथ आ गए भैया जो ओनर है इस साइलेंसर गैरेज के, आपने देखा मैंने कितने सारे साइलेंसर दिखाए, और तीनों वैरायटी दिखाई मैंने आपकी शॉप की, सीरियसली मेरे को तो गूज़बम्प्स आ गए, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपकी शॉप पे,
और ये भी है, विनी भी है, इनका नाम एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी अपना वीडियो में भी आ ही रहा है, साइड में लेफ्ट साइड यहीं पे भी आ रहा है, ठीक है। तो भैया मेरे को एक चीज़ बताइए, आप जैसे ही साइलेंसर लगवाते हैं, सबसे बड़ी जो इशू रहता है बंदा जो नॉलेज वाला नहीं होता, तो ये रहता है कि भाई साइलेंसर लगवाते इंजन खराब हो जाता है या कुछ एक्सरसाइज कुछ प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ होता है क्या भैया? बहुत लोग हैं कि जो ये काम करते हैं भैया, होता भी है, फ्रेंकली बताऊं आपको मैं, अगर आप तरीके से प्रॉपर सेटअप बनाते हो तो लाइफ टाइम आपको कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। खुद की ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी मैं बनाने लगा हूं, अभी मुश्किल से 2 महीने हो गाड़ी को ले हुए। सेटअप अगर नॉर्मल अच्छा चलाओगे आप तो लाइफ टाइम कभी इंजन में कभी गारंटी नहीं आती। और डी कैट के लिए मैं मना करता हूँ, मैं बोलूँ डी कैट कभी भी गाड़ी मत कराओ, इंजन की लाइफ अपने मेंटेन रखनी है, डी कैट कभी भी गाड़ी में कराइएगा। अच्छा, तो ये जैसे अपना नॉर्मल जैसे साइलेंसर ये लगवा रखे आपने, बहुत सारे बहुत ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे, आप कुछ भी पूछो भैया को, बहुत मतलब एक्सपीरियंस आप मान के चलो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है भैया का, अभी सही बोल रहा हूँ भैया? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अभी 22 साल का है, 22 साल का लो, 54 से लो जी, एक्सपीरियंस ही फुल भर भर के है। और दूसरी बात ये भी है, जैसे अपना जैसे नॉर्मल साइलेंसर लगवाते हैं, कोई भी नॉर्मल फ्री फ्लो साइलेंसर है, तो कितने तक का पड़ जाता है, चीपेस्ट से चीपेस्ट? भैया डिपेंड करता है कार टू कार, वैसे नॉर्मल अगर आप एग्जॉस्ट लेते हो अराउंड 4 से 4.5 हजार के अंदर लग जाता है, मतलब ऑर्डिनरी जैसे बाइक्स के अपने साइलेंसर आफ्टर मार्केट पार्ट मिलते हैं जैसे करोल बाग में, तो 4-5 हजार रुपए का कार का भी पड़ जाता है। तो अच्छा ठीक है, अगर इसके हम मिड पे जाएं, जैसे अपना जैसे वेल्वेट्रॉनिक हो गया, वो तो खैर एक्सट्रीम लेवल हो गया, बट इसके बाद जैसे जैसे इसने लगवाया अतीक ने, भैया बहुत सिंपल चीज होती है, ज्यादातर हर पेट्रोल गाड़ी में कोरिजनेटर होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, एंड कैन निकाला उसके अपने एग्जॉस्ट फिट कर दिया, साउंड जो आती है वो अराउंड 20-30% आती है, डिपेंड टू कार टू कार। तो लोग कहते हैं साउंड बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेजोनेटर जो होता है उसको आप डीट कीजिए और उसकी लेंथ वाइज उसके उसके डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो साउंड इंक्रीज हो जाएगी, जो कस्टमर की डिजायर होती है, जो साउंड चाहिए वो उसको प्रॉपर मिल जाती है। और इसका कितना मतलब आ जाता है लमसम में? रिमोट सिस्टम जैसे मैंने आपको जैस का दिखाया था, वो भी भैया की शॉप से ही हुआ, पूरे गैरेज से, जो कि साइलेंसर गैरेज नाम है और बहुत मशहूर है भैया, मैंने भी बहुत सुना था, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और सीरियसली बहुत अच्छा फेयर को फील हुआ। तो इसका वेल्वेट्रॉनिक का कितना खर्चा आ जाता है और इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है इसका? भैया वेल्वेट्रॉनिक में एक्चुअली डीजल के लिए कंपैटिबल तो होता नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे साउंड नहीं आती, पेट्रोल के कंपैटिबल है, तो पेट्रोल में अगर मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको एग्जॉस्ट लगाना है वेल्वेट्रॉनिक, तो आप फिर आगे से पीछे तक उसका रेजोनेटर डिलीट कीजिए, क्योंकि जब मजा लेना है पूरा ऑन ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल, तो साउंड को ना अच्छी लेके चले हम, तो उसमें अराउंड जो एग्जॉस्ट स्टार्टिंग होती है मेरे पास होती है अराउंड 19,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कार टू कार, किसी गाड़ी में 1,000 की फिटिंग बनती है, किसी 2,000 की फिटिंग बनती है, बाकी रेजोनेटर डीट करते हैं उसके 1,000-2,000 एक्स्ट्रा प्रेशर जाता है। अच्छा, और जैसे हम जैसे उसमें कार में होता है डस्टर में पूरा हमने हेडर से लेके पीछे तक पूरा कर रहा था, उसमें खर्चा पूरा अप्रोक्स 10 तक का आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, 10 तक का खर्चा आ जाता है। तो गैस मेरे को भैया के साथ मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, मेरे बड़े भाई, और सीरियसली भाई जरूर आना, जिनको भी कार से रिलेटेड कुछ भी काम है, अपना साइलेंसर से रिलेटेड काम है, नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो प्लीज जाके भैया का भी चैनल है जाके फॉलो करना, नाम एक बार बता दो प्लीज, मेरा विनी ब्लॉग्स के नाम से चैनल, विनी ब्लॉग के नाम से है, प्लीज जाके करना, और स्क्रीन पे तो आ ही रहा सब कुछ। बाकी भैया की आपको एक ऐसे फटाफट से बता दो, सीपी में है अपना, यहाँ पे अपना कौन सा क्लब है? सिंधिया हाउस, तमाशा बार के अपोजिट, तमाशा के ठीक अपोजिट है, तो प्लीज आके सब्सक्राइब करना। जब तक हम चलते हैं बाहर, अतीक की गाड़ी देखते हैं कैसी बनी है। मैं एक और चीज बताना भूल गया आपको, कि विद इन आने वाले 2.5 से 3 महीने के अंदर मैं आपको वो वैरायटीज एग्जॉस्ट दे दूंगा जो कि सिर्फ फॉरेन क्लास में मिलती है, इंडिया में अब तक आई नहीं है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, एक से एक टिप्स दूंगा, आपने शायद देखा अराउंड साल पहले मैं लेके आया था, तो अभी ऐसे अब्रॉड बंद है, पोर्ट वगैरह सब बंद हो रखे हैं, जैसी पोर्ट खुलती है 1.5 महीने में खुलने से होने वाला कि ताइवान और चाइना खुलने वाला है, मैं आपको ऐसी वैरायटीज दे दूंगा कि मेरी फुल ऑफ गारंटी है, ऑल ओवर इंडिया आपको वो चीज वो वैरायटीज नहीं मिलेंगी, और सेकंड टिप्स एक से एक पोर्शे की टिप्स सब कुछ मिलेगा, तो वैरायटीज आप जरूर देखिएगा, और फ्रेंकली बताऊं तो एक तरह का वी आर गोइंग टू बी होल सेलर्स इन वेनी नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। ओके, अच्छा, और एक और चीज जैसे आप कस्टम वगैरह भी करते हो ना, मेरा बात चल रही थी, मतलब सारी ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आप कवर करते होंगे, उसके लिए अलग चार्जेस है, डिपेंड करता है कार टू कार की कैसे उसका लेंथ है, वेंथ है, जो भी है, और फ्रेंकली गाइस 90 जितने भी आज तक मैंने गाड़ी करी 100 में से 99.9% लोगों ने मेरे कस्टम एग्जॉस्ट ही लगाया है, सेटिस्फाई भी होते हैं 100%। ब्रांडेड्स पे बहुत लोग कम जाते हैं, फ्रेंकली बताऊं आपको, ब्रांड का मैं ट्राई भी करा दूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा, एक तरफ ब्रांड ट्राई करूंगा आपको, एक तरफ कस्टम ट्राई करूंगा, और ब्रांड भूल जाएंगे दिस इज माय श्योरिटी, और ऊपर में उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है, एक्जेक्टली परफॉर्मेंस, बिल्कुल वो कस्टम है तो परफॉर्मेंस भी, वो बिल्कुल विनीविया के जो गैरेज है वहाँ पे साइलेंसर गैरेज से ही बनता है वो, तो ठीक है गाइस चलते हैं अतीक के पास, अतीक की गाड़ी होगी स्टार्ट।
चलो जी चालू हो तेरी तो। सो गाइस अभी नॉर्मल है कार, ठीक है, इंस्टॉल सब कुछ हो चुका है, साइलेंसर्स वगैरह। अब एक बारी भैया स्टार्ट करेंगे कार हमारी और अतीक की गाड़ी का साउंड सुनते हैं कैसा वो तेरी तो। एक बारी रेव हो जाए थोड़ा सा। भाई मजा ही आ गया इस साउंड में तो, क्यों भाई भर के मजा आ गया। सो गाइस ये फर्क रहता है एक पेट्रोल डीजल और एक वेल्वेट्रॉनिक में। तो आज आपने देखा कि तीनों की तीनों वैरायटी में कितना फर्क था। पेट्रोल में कितनी ज्यादा साउंड है, जैसे अतीक की गाड़ी में थी, एक डीजल कार में ज्यादा साउंड नहीं थी बट वो एक सुनने लायक साउंड थी और रोड पे चलने लायक साउंड। सो गाइस बहुत सही था आज का दिन, सीरियसली मैंने पूरा दिन अपना स्पेंड करा, ठीक है, और स्पेंड भी कहाँ पे करा, सीपी अपना साइलेंसर गैरेज। सो गाइस दोस्त हुआ वॉचिंग फर्स्ट टाइम तो फटाफट से आके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस में लेता रहूँगा। ये धमाल वीडियो जाने वाले मेरे हिसाब से, और प्लीज़ 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 जाके शेयर जरूर करना भाई, मैं ऐसी वीडियो जरूर लेके आऊँगा। और अगर आप मेरे को कमेंट पे जरूर बताना कैसी लगी वीडियोस और कौन सी कार का आपको साइलेंसर देखना है और कौन सी गाड़ी आपको देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।